वालेकुम, वेलकम बैक टू FS Vlogs Official। तो आपने टाइटल ऑफ कोर्स देख ही लिया होगा। तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग iPhone 15 Pro Max की, और आपको मैं दूंगा अपना ऑनेस्ट रिव्यू कि मुझे कैसा लगा और आपको अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए और किस मॉडल से करना चाहिए। तो मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा और अनबॉक्सिंग करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये मेरे पास है iPhone 15 Pro Max ब्लैक टाइटेनियम 512 GB वाला वेरिएंट। तो ऑफ कोर्स मैंने इसको शॉप पे खोल के तो चेक किया था भाई, रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि तो ये पिक्सेल इसकी खुली हुई है। तो मैं आपको मोबाइल चेक करवाता हूँ। तो मोबाइल को हमने ऑन कर लिया है। ये ब्लैक कलर है, टाइटेनियम में ब्लैक मुझे बहुत डिसेंट लगा क्योंकि इसका जो नेचुरल टाइटेनियम है वो पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लोगों को अच्छा लगता होगा, सबकी अपनी चॉइस है। जो आईफोन का पर्पल कलर था, डीप पर्पल जो 14 में था इससे पहले मेरे पास, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम मैंने वो लिया था एज आईफोन। वो 90% मैं कलर की वजह से एंड्रॉयड से मैं शिफ्ट हुआ, वरना मैं आईफोन यूज़र नहीं था, मैं सैमसंग यूज़र था। तो खैर इस बार टाइटेनियम आया है तो ब्लू भी मुझे कुछ बेहतर लगा, लेकिन ब्लैक ही कलर था जो बाकी कलर्स में मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा। और ब्लैक वैसे ही ऑल टाइम फेवरेट कलर है मेरा। तो ये टाइटेनियम का है और टाइटेनियम बॉडी एप्पल कहती है इसकी है कि हमारे साथ एक केबल मिलती है और स्टिकर्स, आई थिंक एक स्टिकर मिलता है हमें, बस दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये थी हमारी iPhone 15 Pro Max की अनबॉक्सिंग। मैंने 14 Pro से अपग्रेड किया था, तो मुझे क्या एक्सपीरियंस है, आपको किस मॉडल से करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। तो भाई मैंने 14 Pro से अपग्रेड किया था तो मुझे कोई इतना मैसिव अपग्रेड नहीं मिला, ना ही मुझे कोई ऐसा कोई फील हुआ। कैमरा में स्लाइटली जो है फ़र्क है वो बहुत ना होने के बराबर है। बाकी वैसे अगर आप करना चाहते हैं अपग्रेड 13 से या 14 से, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से अपग्रेड आपको इतना फील नहीं होगा। हाँ, जो चेंजिंग क्या है iPhone 15 Pro Max में, पहले तो हम ये चेंज डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसमें जो चेंजिंग जो है ना, वो एक तो टाइटेनियम बॉडी की है। iPhone फर्स्ट टाइम टाइटेनियम बॉडी में इन्होंने अपने iPhone बिल्ड किए हैं। और दूसरी जो मैसिव चेंज है, जो iPhone की 15-16 साल में जब से Apple बनना शुरू हुआ है तब से सबसे बड़ी चेंज है, वो आज तक की जो 15 प्रो में आई है वो है इसकी टाइप सी चार्जिंग केबल। इन्होंने लाइटनिंग फास्ट, सो कॉल्ड इनकी लाइटनिंग फास्ट जो केबल थी उसको उन्होंने रिप्लेस किया है टाइप सी चार्जिंग केबल से, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चेंज है और एक जिसको चेंज आप कह सकते हैं कि हाँ भाई चेंज है। बाकी टाइटेनियम बॉडी तो ऐसे कोई ऐसी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कुछ। हाँ, अगर आप वो बंदे हैं जिसके पास ऑलरेडी 2 से 3 मोबाइल हैं या 2 से 3 मोबाइल वो कैरी करता है और जिसमें से एक आईफोन है और 2 एंड्रॉयड है, तो आप इस मोबाइल पे आईफोन 15 पे डेफिनेटली जा सकते हैं। वो क्योंकि आपको एक एडवांटेज बहुत बड़ा ये मिलेगा कि आपको एक ही लीड लेनी पड़ेगी और उससे आपके दोनों तीनों मोबाइल चार्ज हो जाएंगे टाइप सी से। लेकिन अगर आप सिर्फ आईफोन ही यूज़र हैं, एक ही यूज़ करते हैं मोबाइल, तो मेरे ख्याल से फिर आपके लिए ये इतनी बड़ी कोई चेंजिंग नहीं है क्योंकि उसके साथ वैसे ही केबल तो आती है। आपके पास चार्जर वैसे ही एडाप्टर होगा अगर आप प्रीवियसली आईफोन यूज़र हैं, तो फिर तो फिलूल है मेरे हिसाब से। बाकी अगर हाँ आप 11 से आ रहे हैं या 12 से अपग्रेड करना चाह रहे हैं या एक्स से या मैक्स से, तो प्रीवियस मॉडल से अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली अपग्रेड फील होगा। लेकिन अगर आप 13 से या 14 से अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको इतना अपग्रेड कोई फील होगा नहीं। बाकी एक और बहुत बड़ी चेंज है जो आईफोन ने की है, वो उनकी जो केबल है चार्जिंग केबल, वो केबल का जो मटेरियल है वो मेश टाइप के मटेरियल दिया है, जिसकी फील भी अच्छी आती है और क्वालिटी वाइज भी थोड़ा सा प्रीवियस केबल से बेहतर है। तो भाई ये भी बहुत बड़ी चेंज है, आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। आप बोलते हैं कोई चेंज नहीं करते, ये भी चेंज है। आईफोन की मेहरबानी है जो ये केबल आपको दे रहे हैं, अगर आप नहीं देंगे तो आप क्या कर लेंगे, मैं क्या कर लूँगा। वो दे रहे हैं तो उनकी मेहरबानी है, ये अच्छी बात है। वो तो ये चेंजिंग है इसमें आईफोन में। और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, मेरे जो 14 से चेंज किया है तो मुझे तो वो कुछ था जो खुजली वगैरह जो होती है थोड़ी मस्ती, तो उस वजह से मैंने चेंज किया और कोई इसमें कोई बात नहीं है, नहीं मुझे चेंज फील हुआ है।
तो बस होता है कि भाई 15 लें, अब 16 आएगा वो लें, तो उस वजह से। बाकी आपके पास भी अगर यही मसला है, आपके साथ भी जो मेरे साथ मसला है, तो आप फिर तो आपको कोई नहीं बोल सकता, नहीं रख सकता कोई भी चेंज करने से। लेकिन अगर हाँ आप करना चाहते हैं चेंज किसी प्रीवियस मॉडल से, तो फिर आप डेफिनेटली जा सकते हैं 15 पे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और ये थी वीडियो आज की अनबॉक्सिंग की। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब FS Vlogs Official, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक। तो वीडियो को हम करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।